एबीपी न्यूज 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर संविदा विद्युत कर्मियों ने वेतन की मांग उत्पीड़न के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संविदा मजदूर कर्मियों के नेता आशीष कुमार पांडे ने बताया कि उनका अप्रैल माह का वेतन अभी तक नहीं है, जिसके चलते संविदा कर्मियों को परिवार चलाना दुभर हो गया। इसको लेकर पिछले 27 मई को भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन मिला, वेतन का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर वे एक बार फिर इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेई द्वारा संविदा कर्मी को गाली देने का भी प्रकरण उठाया। कहा कि संविदा कर्मी अपने सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज करना ठीक नहीं है। इस संबंध में शिकायती पत्र मुख्य अभियंता को सौंपा मांग किया गया है कि जांच कर उन्होंने उचित कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस मामले में मुख्य अभियंता अनिल नारायण सिंह ने कहा कि संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द वेतन का भुगतान कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आगे देरी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जेई द्वारा गाली देने के प्रकरण पर भी कहा कि उनकी जाँच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आशीष कुमार पांडे, मजदूर अध्यक्ष। आज पुनः आप तो यहाँ बैठे हैं मुख्य अभियंता कार्यालय पे, क्या है? देखिए, मुख्य अभियंता कार्यालय पर हम लोग 27 मई को भी आए हुए थे। हमारा अप्रैल माह का वेतन रुका हुआ है। कंपनी और विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों को प्रतिदिन धरने की नोटिस डालना पड़ता है, प्रतिदिन धरना करना पड़ता है, जिससे हम लोगों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। न तो विभाग का कोई अधिकारी हमारी सुध लेने वाला है, न तो कंपनी का कोई अधिकारी सुध लेने वाला है। और उस दिन चीफ साहब के आश्वासन पे ये कहा गया कि 28 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आप सभी लोगों का पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट नहीं आया। अगले दिन जब चीफ साहब से बात हुई तो वो बोले कि कंपनी वाला बता रहा था कि सेकेंड सैटरडे होने की वजह से आप लोगों का पेमेंट अब सोमवार को आएगा। सोमवार को भी न आने की स्थिति में ये हुआ कि बैंक में कोई दिक्कत है। तो ये आखिर समस्या कब तक चलेगी? क्या सारा शोषण हम मजदूरों का ही है जो इस विभाग को, इस पावर कॉर्पोरेशन को, लोगों के घरों को उजाला देते हैं, उन्हीं के वेतन को देने के लिए विभाग और सरकार बहुत सोच रही है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऊर्जा मंत्री से शिकायत करता हूँ कि आप शक्ति भवन में बिजली गुल हो गई तो संविदा कर्मी की नौकरी ले लीजिए। यहाँ कंपनी वाला प्रतिदिन वेतन के लिए दौड़ा रहा है, तो क्यों नहीं कंपनी को आप समाप्त कर दे रहे हैं? क्यों नहीं बिचौलिया को हटा ही दे रहे हैं एकदम? ये पिछले 2019 से अब तक की ये घटना है कि बिना किसी धरने के, बिना किसी जुलूस के ये लोग हम लोगों का वेतन नहीं देते हैं। ये जो बहुत ही निंदनीय है। पहली बार है या हमेशा ऐसा होता है? ये हमेशा है। ये 2022 मई की जो घटना है, इसमें हम लोग ये चौथी बार धरना कर रहे हैं। 50 बार विभाग के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी से बात कर चुके हैं, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और दूसरा मामला और है, कल मोहब्बतपुर सब स्टेशन पे पंचम डिवीजन में पड़ता है, वहाँ के जेई साहब संविदा कर्मी को गाली दे रहे हैं, साला ससुरा हराम खोर बना रहे हैं। अरे भाई, जो कार्य आपका आप करिए, हमारा कार्य थोड़ा ना। हमारा अनुबंध ओनली मेंटेनेंस का हुआ है। आप क्षेत्र में कितने गलत तरीके से कार्य किए हैं हम सभी लोगों को पता है। जो गलत करता है उसको वाहवाही मिलती है, जो काम करता है उसको गाली मिलती है। ये तो अधिकारियों का रूल है, जिसकी सूचना हमने चीफ साहब को दी है, जिसका लेटर हमने चीफ साहब को दिया है, ये अधीक्षण अभियंता को दिया है, अधिशासी अभियंता को दिया, उपखंड अधिकारी को दिया है। अभी तो उस पर कोई एक्शन नहीं निकला है। हम संविदा कर्मियों का शोषण होगा, हम लोगों को गाली मिलेगी, यही तो रूल है यहाँ का। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं तो? देखिए, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए चीफ महोदय के द्वारा ये आश्वासन दिलाया गया है कि कंपनी के बाबू हैं राम बाबू, वो 2 घंटे में आपका पेमेंट करते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग 2 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर हमारा वेतन नहीं आता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहीं पर बैठ जाएंगे। अब पूरे जिले की बिजली व्यवस्था अगर बिगड़ती है, चरमराती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो हमारे मुख्य अभियंता की होगी, पावर कॉर्पोरेशन की होगी, और उस कंपनी की होगी जिसके पास लगता है कि बीवी परिवार, बच्चा, घर परिवार कुछ नहीं।
राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।